आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सहित कई राज्यों में पार्टी बनाने का दावा किया है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान आगामी 2024 के चुनाव को लेकर सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। चुनावों के दौर में आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया कि हरियाणा ही नहीं बल्कि देश में भी आगामी समय में कई राज्यों में सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर बात करें अभी की परिस्थिति की तो हरियाणा में फिलहाल आम आदमी पार्टी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। सर, जिस तरीके से चुनावों के दौर में दावे किए आप लोगों ने कि आम आदमी पार्टी जनता के बीच जा रही है, सरकार भी बनाएगी, आम आदमी पार्टी आदमपुर में भी जीत दर्ज करेगी, लेकिन परफॉर्मेंस दावों की तरह नहीं रहा, और जिस तरीके से आगामी समय में भी हरियाणा में चुनाव है, तो क्या आप लोग एक संगठन के रूप में तैयार है? दो बात बड़ी स्पष्ट मैं बता दूँ आपको। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए जानी जाती है। अभी हाल ही में जिला परिषद का चुनाव है, हम 2 नंबर पे हरियाणा के अंदर रहे। इससे पहले नगर परिषद का चुनाव है, हम 2 नंबर पे रहे। वहाँ पे हमारा एक अच्छा वोट प्रतिशत भी लगभग 17% के करीब उसमें हमें मिला। आज आम आदमी पार्टी, ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली नगर निगम के चुनाव की वजह से, गुजरात के चुनाव की वजह से जितना ध्यान हमें हरियाणा में देना चाहिए था वो नहीं दे पाए, परंतु हमने कमर कस ली है, 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, गाँव लेवल तक जाना शुरू कर दिया है। आज भी दिल्ली के अंदर इस विषय के अंदर बैठक हुई है और हरियाणा में पुरजोर ताकत लगा के हम व्यवस्था को बदलेंगे, 2024 में सरकार बनाएंगे। सर, 1 नंबर बनने की ओर कब तक पहुंचेंगे? क्योंकि देखिए सामने चुनाव है और जिस तरीके से तमाम जो दूसरे दल है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो लगातार अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं कि जीतेंगे भी। अगर कांग्रेस की साफ तौर पर बात करें तो इस पूरे कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा, अभी कुछ दिनों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी भी कुछ इस तरीके की यात्रा की शुरुआत करेगी? आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से आम आदमी को जोड़ने की बात कर रही है और ये खास आदमी को जोड़ते हैं। इनका मकसद जाति और धर्म की राजनीति करना है। आम आदमी पार्टी का मकसद देश का विकास करना है, देश को शिक्षित बनाना है, देश को विकसित करना है। आम आदमी पार्टी स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली पानी की बात करती है, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जाट नॉन जाट की बातें करते हैं, आम आदमी पार्टी ये बातें नहीं करती। आम आदमी पार्टी ने व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ी है। हमने पंजाब एक तरफ है, हरियाणा के, और दिल्ली एक तरफ है, दोनों के बीच के अंदर हरियाणा है। हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली बदल चुकी है, पंजाब बदल रहा है, हरियाणा भी बदलना चाहिए, और उसके लिए 2024 की तैयारी हमारी है। और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में शपथ लेगी। सर, जिस तरीके से आपने बात की कि पंजाब एक और है और दिल्ली एक और है और हरियाणा बीच में है, ऐसा ही कुछ मुद्दा है पंजाब और हरियाणा के बीच में SYL का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि अगर SYL का पानी हरियाणा को मिलता है तो दिल्ली को भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे सकेंगे, और अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास पानी देने को नहीं है तो हम पानी कैसे दें। लेकिन आदमपुर चुनाव के दौरान हमने देखा था कि खुद अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी कि उनके पास कोई फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला अगर केंद्र पूछे तो वो बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले की, क्या ये फॉर्मूला आम आदमी पार्टी अपने नेता से जानकर पूछकर सुप्रीम कोर्ट में रखेगा? जब तक केंद्र सरकार की मंशा राज्यों को प्रॉपर पानी देने की नहीं होगी, पानी इस देश के अंदर नहीं मिल सकता, पानी की समस्याएं रहेंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले बड़ी छाती ठोक के कहा था कि हिंदुस्तान का 65% पानी बह के पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, उस पानी के ऊपर हरियाणा के लोगों का हक है, उस पानी के ऊपर पंजाब के लोगों का हक है, उस पानी के ऊपर राजस्थान के लोगों का हक है, मैं उस पानी को, हिंदुस्तान के पानी को हिंदुस्तान में वापस लेके आऊँगा। आज तक एक कदम उस दिशा के अंदर नहीं बढ़ाया। नहर जोड़ योजना, नदी जोड़ो योजना एक बार वाजपेयी जी के समय पर शुरू हुई थी, मोदी जी और कांग्रेस की सरकार दोनों ने आज तक उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। देश में एक तरफ बाढ़ आई रहती है, एक तरफ सूखा आया रहता है। मैं कह रहा हूँ पानी की ज़रूरत है, हर राज्य को जरूरत है, हरियाणा को भी जरूरत है, पानी मिलना चाहिए, ये केंद्र सरकार का काम है, उसका इंतजाम करें और सबको प्रॉपर पानी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए खुद सुशील गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी हरियाणा के चुनावों के लिए तैयार है और जीत भी दर्ज करेगी। वहीं साथ साथ ये भी कहा कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि SYL के मुद्दे पर वो अपने अपनी बात को रखें और जो पानी पाकिस्तान को जाता है उस पानी पर विचार करें। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फर्स्ट।